औरंगाबाद जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिले के सारी जलापूर्ति योजना सोलर ऊर्जा पर कार्यान्वित की जाएगी और जल्द ही 71.84 करोड़ के प्रस्तावों को मान्यता दी जाएगी। फडणवीस केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत जिले में 235 करोड़ रुपयों की लागत से 372 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को भूमि पूजन समारोह में बोल रहे थे। हिंगना के गुमगांव में उन्होंने योजना का भूमि पूजन किया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष मुक्ता कोकड़े, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, सुनील केदार, आशीष जायसवाल, टेकचंद सावरकर, उपाध्यक्ष कुंदन राउत, सह पुलिस अधीक्षक अश्विनी दोरजे, जिला अधिकारी विपिन इटनकर, जिला परिषद CEO सौम्या शर्मा उपस्थित रही। DCM ने कहा कि सोलर ऊर्जा के उपयोग से ग्राम पंचायतों को बिजली बिल बकाए के चलते योजना बंद पड़ने की नौबत नहीं आएगी। किसानों को दिन में बिजली देने के लिए सोलर फीडर योजना कार्यान्वित की जाएगी। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।